मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोमती नगर विशाखा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 8,754 करोड़ की लागत परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित। वहीं सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में अब तक 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ दिया जाए तो गरीबों को मिलने वाले आवास की संख्या 54 लाख हो जाती है। 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में अब तक एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें 2.5 लाख रुपए प्रति आवास उपलब्ध कराया जाता है। 17 लाख से अधिक, और अगर ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ देंगे तो भाइयों बहनों इसकी संख्या 54 लाख है। 54 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक आवास उपलब्ध हो जाना। बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 2024 में अमेरिका जैसी सड़कें यहां भी होंगी और ड्रोन टैक्सी भी चलेगी। आगे बोलते हुए कहा कि गाड़ी में चिप लगेगी, इससे सड़क पर चलते टोल कट जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 की इनामी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन को MP MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज कर दी। वहीं कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए साइस्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार आयोजित कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि स्थिति सामान्य और घबराने की जरूरत नहीं। साथ ही उन्होंने कहा, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के कारण हमारी सरकार ने डॉक्टरों का वेतन कई गुना बढ़ा दिया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तनख्वाह 5 लाख रुपए तक कर दी गई। कोरोना को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अभी जो मरीज हमारे पास है वो घर पर इलाज करा रहे हैं, 2-3 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं। फिर भी सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए हमने कहा है और टेस्टिंग भी बढ़ाए जाने के निर्देश। बाराबंकी में सर रेडियोलॉजिस्ट रही अभी तक? बाराबंकी में अभी हमने आपको बताया कि इस जब चिकित्सकों की कमी के कारण हमने तनख्वाह कई गुनी बढ़ा दी है। 5 लाख तक तनख्वाह विशेषज्ञ चिकित्सकों की है। हमने पोस्ट एडवर्टाइज की है। हमें लगता है कि 2-4 दिनों में इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती करेंगे और शीघ्र यहां तैनाती। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर दीवार लेखन कार्यक्रम में पहुंचे BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दीवार पर कमल का निशान बनाया और स्लोगन भी लिखा, एक बार फिर से भाजपा सरकार। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, JP नड्डा के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है और इस अभियान में हम लोग प्रदेश में जनता के बीच जाएंगे और रिपोर्ट कार्ड दिखाकर एक बार फिर से भाजपा सरकार इस संकल्प को पूरा करेंगे। 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्लोगन, एक बार फिर से भाजपा सरकार, इस स्लोगन की शुरुआत की है। उन्होंने 11 बजे दिल्ली में ये दीवार लेखन के माध्यम से इस अभियान को शुरू किया है। सभी प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा मुख्यालयों में 1 बजे हम लोगों ने किया है और आगे आज ही सभी जिला अध्यक्षों के द्वारा, सभी मंडल अध्यक्षों के द्वारा, सभी बूथों में इस अभियान को हम लोग पूरा करेंगे। बलिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर पलटवार किया। कहा, आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है देश देख रहा है। पूरा विपक्ष आज मिलकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने की साजिश कर रहे हैं। वहीं आगे बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव बांटने का काम कर रहे हैं। आज उसको किस तरह से घायल करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी परंपराओं पर किस तरह से आक्रमण हो गए, उसको आप देख रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पूरे देश के अंदर मैं समझता हूं कि कुछ शक्तियां आज ऐसा काम कर रही, उनके कामों को देख लें तो जैसे लगता है कि ये देश में रहने वाले लोग नहीं है, देश के बाहर के लोग।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि केस में एमपी सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीद स्मारक सत्याग्रह को शुरू करते हुए विरोध प्रदर्शन किए, साथ ही मोदी अडानी के रिश्ते को लेकर नारेबाजी की। वहीं सत्याग्रह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी भी मौजूद रहे। रेउसा में बाढ़ से बचाव के लिए चल रहे निर्माण कार्य में सेवता से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां बाढ़ परियोजनाओं में गुणवत्ता खराब मिलने पर नाराजगी जताई और अफसरों को जेल भिजवाने की धमकी भी दी। काम अच्छा नहीं होगा तो मैं चाप दूंगा, सस्पेंड करा दूंगा, भिजवा दूंगा जेल, FIR लिखवा के वापसी करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। लेकिन लेकिन क्यों यहाँ ईटा लग रहा है बंधा पे? बिल्कुल कोई काम का नहीं। ईटा कौन लगा रहा है? ईटा कौन सा, इसी में काम हो रहा क्या? नया बंधा करवा दे तो पूरा ईटा लग रहा है। आप क्वालिटी देखिए, आप लोग क्वालिटी देखिए, अब आपके जो अधिकारी वो देखिए। पीला तो कतई कहीं लगेगा नहीं, पीला का कोई औचित्य ही नहीं, कोई शेड्यूल में है नहीं। आप खंजर लगाओ चलेगा। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को पार्टी के स्थापना दिवस और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई दी। वहीं सीएम धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम है। भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जिसके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है, संगठन द्वितीय है और व्यक्ति अंतिम है। अन्य पार्टियों में और हमारी पार्टी में एक अंतर है कि कार्यकर्ता वहां भी होते हैं, वहाँ भी पदाधिकारी होते हैं, वहाँ भी चुनाव के लिए तमाम प्रकार के मुद्दे होते हैं, उनमें और हम में जो